नमस्कार टॉप 5 पार्ट 5 को स्वागत करुछी मु स्निग्धा। निर्भया मामला रे वरिष्ठ आईनजीवी इंदिरा जयसिंह को बयान को नीति विवाद। निर्भया को मां कहले जे क्षमा देबा को इंदिरा किए सबडे स्त्रीडी को जन्मस्थान को नै विवाद देखा दैछि एवं आसंता काली छु स्त्रीडी बंद डाकरा दैछंती स्थानीय बासिंदा। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस दुर्घटना तदंत आरंभ होईछि आ मार्च रो कड़ाकड़ी हेबो ट्राफिक रूल कमीबनी फाइन आउ बाइक चालकों सह पछरे बसुवा व्यक्ति हेलमेट रध्यतामूलक। राज्य आईटी मंत्री कहते जे साइबर ठकी को संपूर्ण रोकवा कष्टर। सब खबर पर नजर पकाइबा टॉप 5 पार्ट 5 में, किंतु प्रथम नजर पकाइबा टॉप 5 हेडलाइंस। वरिष्ठ आईनजीवी इंदिरा जयसिंह को बयान को नहीं निर्भया मां कड़ा प्रतिक्रिया कहले एभली लोकों पर दुष्कर्म घटन लगि पारनी ब्रेक। निर्भया दोषी क्षमा करदेवा को परामर्श दे इंदिरा। तेजला साई बाबा जन्मस्थान बिवाद पठारी को जन्मस्थान कही विकास पर मुख्यमंत्री 100 कोटी पैकेज पर प्रतिभा कालीठू अनिर्दिष्ट काल शिरडी बंद डाकरा। मंदिर सीईओ कहले स्वाभाविक रहिबो पूजा विधि। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस दुर्घटनार तदंत आरंभ। कटक्रे कोलकाता रेल निरापत्ता कमिश्नर सरजमीन जांच सह करिबे 60 रु अधिक जणकर साक्ष्य ग्रहण मासक सरिब तदंत। मार्च रु आहुरी कड़ाकड़ी हेबो ट्राफिक नियम एणिकी बाइक चालकों सह अन्य आरोही बाध्यतामूलक हेबो हेलमेट। मंत्री स्पष्टोक्ति आगदम कमिबनी धार्य जरिमाना राशि। एवं सहज नुहे साइबर ठकों को धरिबा स्वीकार कले आईटी मंत्री तुषार कांति बेहरा कहले आहुरी सशक्त होउछी सरकार सर्विलांस सिस्टम आगामी दिन में कमिब साइबर अपराध। तबे टॉप 1 खबर पर नजर पकावा से मंतव्य पर नजर पकावा जो मंतव्य को नेकी वर्तमान पूरा देश रे होइचे सृष्टि होइचे। निर्भया गणदुष्कर्म मामला रे दोषी को क्षमा करिबाने वरिष्ठ आईनजीवी इंदिरा जयसिंह को बयान परे जोरदार प्रतिक्रिया प्रकाश करिछन्ते निर्भया को परिवार लोके। निर्भया को मां आशा देवी कहिछन्ते जे पूरा देश निर्भया दोषी को जल्दी खूब शीघ्र फांसी देबा को चाहुथिबा बेले कोन पई इंदिरा जयसिंह क्षमा करदेवा को चाहुछंती बोली प्रश्न करिछंती से। जड़े महिला हुई केमिति जड़े महिलांकर दुख बुझी पारुनाहंती बोली इंदिरा को प्रश्न करिछंती आशा देवी। एमितिका लोके पूरा देशवासी को क्षमा मागिबा दरकार बोली से कहिछंती। निर्भयांकर मां कहिछंती सुप्रीम कोर्ट रे से अनेक समय रे इंदिरा को भेटिछंती किंतु एथर इंदिरा तांको किछि न कहिबा सह दुई दोषी को क्षमा करदेवार अपील करिबा तांको आश्चर्य करिछि बोली से कहिछंती। निर्भयांक मां कहिछंती एभली अपराधी को मानवाधिकार नारे क्षमा देबा उचित नुहे। चारि दोषी निर्भया दोषी फांसी तारीख घुंचिबा परे वरिष्ठ आईनजीवी इंदिरा जयसिंह ट्वीट करी कहिथिले जे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भली निर्भयांकर मां दोषी को क्षमा करदेबा उचित। सबसे पहले तो मैं ये पूछती हूँ कि इंदिरा जयसिंह होती कौन है मेरे से सवाल करने वाले। मेरी क्या लगती है वो बलात्कारियों की माँ हो सकती है बलात्कारियों की रिश्तेदार हो सकती है मेरा कुछ नहीं लगती। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो उसने मुझसे अपील की। 7 साल मैं उससे मिली हूँ कोर्ट में बार बार मिली हूँ उसने तो हमारा हालचाल कभी नहीं पूछा। जब बलात्कारियों की बात आई तो उसने माफी की बात कर दी। ऐसी ही औरतों की वजह से ऐसे सोच वाले लोगों की वजह से हमारे देश में बच्चियों को जिंदा जलाया जा रहा है फूका जा रहा है और रेप बलात्कार हो रहा है। आज ऐसे ही लोगों के वजह से किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे सोच वाले लोग खासकर महिला के नाम पे कलंक है। इंदिरा जयसिंह को मैं जानता हूँ मिले भी हैं लेकिन उनको हमें सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। जिस दरिंदों को फांसी के लिए साथ साथ से लड़ रहे हैं वो चाहते हैं कि एक मिनट में इनको ख़त्म कर दें तो इनकी सोच गलत है। ये बलात्कारियों की माँ हो सकती है लेकिन एक औरत होकर के एक औरत का दर्द ना समझना ये बड़ी नाइंसाफ़ी है और बहुत गलत बात है। तो अपने शब्दों से उनको क्या कहूँ लेकिन बहुत गलत औरत है
इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी की कैटेगरी में आता है, इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसमें कोई राजनीति इन्वॉल्व नहीं है। सो इसलिए दोनों केस का कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से इंदिरा जयसिंह जी के लिए ठीक नहीं था। और अगर उनको निर्भया की माता जी को कोई रिक्वेस्ट या इल्तजा करनी भी थी तो वो पर्सनली जाके कर सकती थी, खुद जाके कर सकती थी। उनको ट्वीट करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। एबे खबर साई बाबा को नहीं कि साई बाबा जन्मस्थान को नहीं कि तेजिला विवाद। कालीठू अनिश्चित काल पर्यंत बंद रहिबो महाराष्ट्र रो सिरडी पठारी को जन्मस्थान कही यार विकास पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 100 कोटी पैकेज पर प्रतिवाद एभली पदक्षेप नेबाक निष्पत्ति सिरडी बासिंदा। सेपटे सिरडी साई मंदिर बंद करा जो चर्चा होता ताकू खंडन कर मंदिर सीईओ दीपक मोगलीकर। मंदिर खोला रहा सहित बाबा समस्त पूजा नीति संपन्न हो भक्त प्रसाद भी बंटन हो स्पष्ट सूचना दे। तेरे मराठाबाड स्थित पथरी स्थान को सिरडी साईं प्रकृत जन्मस्थान बोली उद्धव ठाकरे। तेरे सबु नहीं सिरडी में कर जोरदार विरोध। उद्धव यह पूर्व साई बाबा प्रकृत जन्मस्थान पथरी बोली जहाँ को सिरडी में असंतोष देखा मिली। मंदिर प्रशासन पक्ष यार प्रतिवाद सिरडी साईं मंदिर बंद करने को घोषणा कर महाराष्ट्र अहमदनगर में बीजेपी सांसद सूर्य विखे पाटिल एने की आईनगत लड़े पर चेतावनी देते। अहमदनगर लोकसभा निर्वाचन मंडल में सांसद प्रश्न उठाई जे साई बाबा जन्मभूमि को नहीं दाबी सेतबले काहीं आसला जेतबले राज्य में नूतन सरकार गठन हो। साई बाबा जन्मस्थान को नहीं आज पर्यंत कौनसी मतभेद नथिला। अचानक पथरी को नहीं एभली दाबी केउठारु सन्ना को आसी जदि राजनैतिक हस्तक्षेप जारी रहिबो ताहले सिरडीर लोके एही प्रसंग को नहीं आईनगत लड़े आरंभ करिबे। यह खबर सरासर गलत है, झूठ है। मैं श्री साई बाबा संस्थान विश्वस्त संस्था शिरडी की तरफ से ऐसा खुलासा करना चाहता हूँ कि 19 जनवरी 2020 और उसके बाद भी श्री साई बाबा समाधि मंदिर में श्री साई बाबा की मूर्ति का और समाधि का दर्शन, मंदिर की सभी आरतियाँ, सभी धार्मिक विधि यथावत चालू रहेंगे और उसके बाद भी चालू रहेंगे। और संस्थान के सभी साई प्रसादालय, सभी भक्त निवास, सभी अस्पताल और सारी सुविधाएँ सभी चालू रहने वाली हैं। टॉप 3 खबर ऊपर एबे नजर पकाएबा। कटक निर्गुंडी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस दुर्घटना मामलें तदंत आरंभ हो। कोलकाता रेलवे सुरक्षा कमिश्नर कटक रे तदंत आरंभ करिछंती। रेलवे सुरक्षा कमिश्नर अभय कुमार राय तदंत शेष होबा जाय कटक स्टेशन निकट रे थिबा रेलवे रेस्ट हाउस रे क्याम्प करिछंती। सरजमीन अनुध्यान सह रेलवे 8 विभाग प्राय 80 रु अधिक जणंकर साक्ष्य ग्रहण करिवे रेल सुरक्षा सेफ्टी कमिश्नर। आउ एथिरे साधारण लोक मध्य तदंतरे सहयोग करिपारिबे बोली सूचना देछंती कमिश्नर। विशेषकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन रे थिबा यात्री सेमानकर बयान देपारिबे। गतकाली रेलबाई कमिश्नर घटनास्थल परिदर्शन करिछंती। मासक मध्यरे तदंत रिपोर्ट रेलबाई विभाग को प्रदान कराजिबो बोली कहिछंती रेलबाई कमिश्नर। सेहिपरी जेउ माने आहत होइछंती सेमानकु रेलबाई पक्षरु समस्त सहायता प्रदान करा जायछि। पूर्वरे ही दुर्घटना पई 4 जणंकु निलंबित करा जायथिला। इमानक मध्यरे अछंति निर्गुंडी स्टेशन मास्टर गार्ड दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन रो लोको पायलट एवं सहकारी लोको पायलट। गुरुवार सकाळे कटक निर्गुंडी सालगां पाखरे दुर्घटनाग्रस्त होइथिला मुंबई भुवनेश्वर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। तेबे मालवाही ट्रेन को पछरु पिटिबा जोगु लाइनच्युत होइथिला एक्सप्रेस रो 8 बगी। दुर्घटनारे आहत होइथिले 21 जण। जिसमें जो लोग इसके बारे में जानकार हैं, जानकारी रखते हैं, उन सबका वक्तव्य लिया जाएगा और दो तीन स्टेज में ये होगी, डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेशन भी सब होगा, उसके बाद कमीशन को फाइनल कंक्लूजन इसका स्पीड से लेके विजिबिलिटी की कंडीशन लेके जो सुरक्षा प्रबंध होने चाहिए उनका स्थिति सारी चीज़ें देखी जाए। कौन सी दिग को से छाड़े नहीं पूरा पुंखानुपुंख तदंत करेंगे सब विषय रू समस्त कोण रू सब दृष्टि रू तार विचार करा जो निरपेक्ष तदंत होगा। झटका लगा, झटका लगने के बाद हम गिर गया हमको तो ज़्यादा चोट नहीं आया लेकिन और लोगों को काफ़ी आदमी को चोट आया। नहीं ऐसा तो सुबह के टाइम में कोहरा था
और हम तो गार्ड बाबू से पूछा तो गार्ड बाबू बोला कि आगे कोई गाड़ी में ठोकर लग गया है और कोहरा था, शायद दिखाई नहीं दिया होगा ड्राइवर को, ऐसे ही उन्होंने बोला। तेज संपर्क अधिक आलोचना करने सीधा सड़क जावा कटक अच्छा आम प्रतिनिधि नवेश महांती। नवेश, जदिओ दुर्घटना पर चारि निलंबन करूँ देखूँ बर्तमान आज सरजमीन तदंत आरंभ हो जाती देखुं तदंत प्रक्रिया को जदिओ अशी जन साक्ष्य ग्रहण होधारण लोक मैंने बयान रखिपारे से जो अनुभूति था से रखिपारे के चलती बर्तमान तदंत प्रक्रिया देखो वर्तमान भी स्निग्धा तदंत प्रक्रिया जारी रही वर्तमान संध्या पांचटा दस है एबी तदंत प्रक्रिया जारी रही सका पखापाखि दसटा बेलू तदंत प्रक्रिया आरंभ होता जहाँ आम पीआर सहित एवं कथल रेलवे विभाग कहे मुताबक राति तमाम आज हे तो चलीपे राति नौटा पर्यटन चलीपे कारण जेहेतु लंबा प्रोसेस अच्छी विशेषकर शहे जन आपत अशी जन कहते बर्तमान अपडेट अच्छी जहाँ पखापाखि शहे जन से लिखित बयान देखते से बयान गुड़ी बर्तमान गोटे गोटी कर जांच करोटी पर्यायर यही तदंत कर प्रथम पर्यायर हो घटना दिन जबत होता लोकमान्य तिलक जो एक्सप्रेस तार जो स्पीडोमीटर ताकूह विभिन्न डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करमती से दिन जो गोटे स्टेशन रु आउट स्टेशन को मध्य ट्रेन चलाचल मध्य जो सिग्नल दिया जाए था होता बाना एवं अनेक एमती भी रही तथ्य जहाँ को केपर्तन सामना को अणाई प्रथम एविडेन्स को अणाजेन्स को अणाजी यह सहित अनेक नथिपत्र कारण जो गोटे स्टेशन रु आउट स्टेशन को ट्रेन जाऊँच से समय उभय स्टेशन मध्य अनेक नथिपत्र अनेक दस्तावेज दिया होता है डिजिटल होता है और परव समय हार्ड कॉपी हिसाब से स्टेशन मास्टर पाखे जमा होता है से सब को संग्रह करतापर ये शहे रु ऊर्ध बर्तमान जमा हो रही लिखित पक्ष लोकंर अच्छी ताकू स्क्रुटिन करापर जितेबले रेलवे कमिशनर तक मुख्यालय को फेरवे जेहेतु से अपिल करलवे पक्ष अपिल हो साधारण लोक कि जत्री जदि चाहती निजर कि तथ्य प्रदान करने लगे प्रमाण सहित उपस्थापन करेंगे कितु पत्र मध्यम तेणु पत्र मध्यम तो कोलकाता स्थित ठार अफिस पहुँचा पर जांच होलोचना कलु अभय कुमार राय रेलवे कमिशनर स्पष्ट कर सुरक्षा कमिशनर स्पष्ट कर एकाधिक दिग को दृष्टि रखी तदन करदिन भिजिबिलिटी किभली थी एवं से दिन जो स्टेशन मास्टर अच्छे निर्गुंडीर जी कि निलंबित होती भूमिका कौन थी ड्राइवर मैंने निशा सेवन करते ना एवं ड्राइवर रेलवे जो एसओपी अच्छी पालन करते ना यू विभिन्न दिग को दृष्टि रखी तदन कर प्रथम प्राथमिक रिपोर्ट जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रही गोटे मास मध्य चेष्टा करे रेलवे की देते तेना आशा कर गोटे मास पर अंत तो किसी गोटे चित्र मिल पार वास्तविक यहाँ मनुष्यकृत थिला ना यह जांत्रिक त्रुटि थिला स्निग्धा तबे नवेश गोटे मास परे जो रिपोर्ट दिया जिवो किंतु तदंत केते दिन भीतर सारिबा पई से नै किछि डेडलाइन किछि स्थिर करा जाय छि देखो तदंत के सर से नहीं किसी भी डेडलाइन स्थिर कराई एवं किंतु प्रिलिमिनरी रिपोर्ट गोटे मस मध्य दिजिव एक स्पष्ट कर बोधवे तदंत रिपोर्टर फाइनाल रिपोर्ट के सबमिट करा से नहीं कही ना कारण लंबा समय धरी प्रक्रिया जारी रमीक आपको कहली शहे जन पखापाखि शहे जनकर लिखित पक्ष रखा जाइए आवश्यक पड़े जदि कौन आंगेल को तदंत जाए तेज से ही आंगेल संपर्कित विभिन्न व्यक्ति को डक पचराउचरा कर कौन सी दिग को जाए तदंत से दिग संपर्कित विभिन्न तथ्य उपर मत आलोकपात होनेक लोक कलिकता डक कलिकता मुख्यालय से डक पचराउचरा तेज आज जो शहे जन को पचराउचरा करा लिखित पक्ष ग्रहण करागला संग्रह करागला से निलंबित होता चारि रेल कर्मचारी थे तेज से मेरे निलंबन आदेश वर्तमान भी रही तदंत शेष नवा पर्यंत से निलंबन आदेश सेमती रही थोड़ा तेणु मोटामोटी आशा करलवे विभाग यही तदंतरु गोटे किसी निर्यास पहुँचे और गोटे शिक्षा ग्रहण करूँ कारण रेलवे पूर्व कही सारी डिजिटल बेसी से गुरुत्व देखते बर्तमान अटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था होता कि भाव यही दुर्घटना घटला यहाँ एड़ा जा पारि था ना एटा ह्यूमन एरर ना टेक्निकल एरर तापर एवं समस्त नजर रही आशा कर जहाँ भी तदंत तो निर्यास आसो रेलवे गुरुतर सह नब ए यही घटनार पुनरावृत्ति अन्य कौन स्थान देशर न घटू से रेलवे विशेष दृष्टि देव।
नवेश जहां सूचना दूसरे शहे जन साक्ष्य बर्तमान ग्रहण कर सारे और जहाँकि लिखित उपर बयान बर्तमान ग्रहण कर बाकी जाता जो साधारण लोक मैंने भी बयान निवस्था कराइए जहां कहते तो से ही प्रक्रिया केमती रही है कि भाव से बयान देते देखो आज अपराह पर्यंत कौन जड़े भी साधारण लोक आसी ना आशा कराला हे तो आसीपारती कि जत्री मैंने आसीपारती जेहेतु जत्री मैंने आहत अवस्था थे अनेक जत्री और से भर कि हस्पिटाल बर्तमान एसीबी चिकित्सित होती बाकी जो मैंने भी थे से हे तो बर्तमान मेन्टाल ट्रमा दे गति करेंगे कितु से अपसन खोला रही द्वार खोला रही परवर्त समय जेको समय अंत दस रु बार दिन मध्य से तांकर पक्ष पत्र माध्यम रे बा लिखित आकार रे से माने कलिकता रे जो मुख्य ऑफिस रही कोलकाता रे रेलवे सेफ्टी कमिश्नर को से ऑफिस को से माने पत्र माध्यम जना ताकु जणई पारिबे तनो नुवा नुवा तथ्य कोन आसुची एवं ए तथ्य को केते दूर ये तथ्य प्रमाण भित्तिक वास्तविक एथिरे ए दुर्घटना पछरे रेलवे रो जो दुई जण अछंती निलंबित लोक पायलट और सहकारी लोक पायलट से भूमिका कौन रही कारण से रक्त नमूना से दुर्घटना पछरे एवं सरजमीन तदंत बर्तमान आरंभ हो जाएगी जहां कि गोटे मास पर्यंत चलो और गोटे मास पर रिपोर्ट प्रदान बहुत बहुत धन्यवाद नवेश महंत प्रतिनिधि कि भाव में वर्तमान चली तदंत चली जहां प्रतिनिधि नवेश कहते कि शहे जन साक्ष्य ग्रहण कर लिखित भाव में साधारण लोक मान बयान नहीं कि व्यवस्था करा जाए और गोटे मास समय परे रिपोर्ट प्रदान करा जिबो। टॉपर खबर पर नजर पकावा जहां आप जानवा निहाती दरकार कहीं आहुरी कड़ाकड़ी हेबो ट्राफिक नियम और दुर्घटना कमाइबा पाई आहुरी कठोर हेबे हेबो ट्राफिक नियम आसंता मार्च रु बाइक चालक और सहयात्री बाध्यतामूलक हेबो हेलमेट से भली कार चालक और समस्त यात्री भी सीट बेल्ट बाध्यतामूलक करा प्रति 30 किलोमीटर भितर गुरुत्वपूर्ण रास्ता मानक जगिबे मोबाइल स्क्वाड जो मैंने नियमित भाव चेकिंग करेंगे आईपाई केन्द्र सरकार को आर्थिक सहायता मगा जाए अधिक कर्मचारी नियोजित सह अधिक गाड़ी किणवाई अर्थर आवश्यकता रही मंत्री वर्षक भितर दुर्घटनार हार 20% कमाइबा लक्ष्य रखाई तीन मस महलत सर आय सीमा को बढ़ा ना परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा सूचना देखते ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ ଅଛି ଯେ ପଛବାଲା ଯିଏ ବସିବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସିଏ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ କ'ଣ ଆମେ ଚାହିଁବା ତେଣୁ ପଛବାଲା ମଧ୍ୟ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ତ ଅଛି ସେଇଟା ତ ଆଇନରେ ବି ଅଛି ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇଛୁ ସମୟ ସୀମା ଆମର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆମର ସରିବ ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଏବେ ହେଲମେଟ୍ ଯିଏ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଯିଏ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆମର ଯୋଉ ଅଧିକା ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ତ ଚେକିଂ ଫେକିଂ ଚାଲିଛି ଟପ୍ 5 ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇକୁ ନେଇ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଆଇଟି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ପଛେ କମିବାର ନା ନେଉନି ସବୁ ନିୟମ ଏବଂ କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ମାତିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଠକ ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ସରକାରଙ୍କର ଆଇଟି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଠକଙ୍କୁ ଧରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ଯଦିଓ ଏନେଇକି ଆଇଟି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ହେଲେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି ସହ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଅପରାଧ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ସାଇବର ଅପରାଧ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ 2016 317 2017 824 ଏବଂ 2018 843 ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହୋଇଛି ଜଣେ ଯଦି କିଛି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛି ତାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆନୋନିମିଟି ରଖି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଇଟିରେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜଣେ କେଉଁ ଆଇପି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ମାସ୍କିଂ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିସବୁ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆମେ ବହୁତ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ
तेज संपर्क अधिक आलोचना आम सहित न्यूज रूम रे जोड़ी होती आम प्रतिनिधि सुमंत सुंदर राय। सुमंत, दिनक दिन जो भाव में वर्ष पर वर्ष गढ़ी जाऊँगी कि साइबर ठके जो रही से संख्या वर्ष को वर्ष बढ़िवे लगुच बढ़िवार संख्या को लेकिन बर्तमान तुषारकांति जहाँ कहते कि साइबर ठके साइबर ठक को धरवा से सहज नुहे केमती देखुं आम सर्विलांस सिस्टम को व्यवस्था को जो साइबर ठक मानी कर गोटे कथा मुझे कहकर चाहे ये पुलिस डाड़े डाड़े गले साइबर ठक पत्रे पत्रे जाऊँच तेणु सबू थाना जाए कार्यक्षम हो पारे जो मैंने अभिज्ञ दक्ष अफिसर नाहंती जे किभ भाव में साइबर ठक मानक धरीहब वापस रोक लगे हे। द्वितीय कथा हूँ से भाई भित्तिमि राज्य में ना केवल हाथ गणती किसी थाना और जो रही मुख्यालय भुवनेश्वर कटक समेत अनेक स्थान में तेणु से किसी एक्सपर्ट अच्छा जो मैंने एथिकाल हैकर मानक रखी और जो मैंने बड़ बड़ एक्सपर्ट मानक पुलिस रखी किंतु राज्य सब जगह ठिकना भाव में कार्यकारी हो पारे ना जहाँफल जहाँ बर्तमान आज मंत्री कही निजे स्वीकार कर जे साइबर ठक सोशल मीडिया एपटे ऑनलाइन ठके बढ़ुची तेणु धरवा सहज नुहे निजे मंत्री जी हाथ टेके तेणु सरकार को साइबर ठके चिंता ये हूँ गोटे बड़ कथा। द्वितीय कथा हूँ जदि आम अपराधिक रिपोर्ट देखा साइबर ठकों रिपोर्ट देखा 2016 राज्य में 317 साइबर अपराध संगठित होता बेले 2017 824 2018 843 साइबर क्राइम हो तेणु 2019 रिपोर्ट अति संगीन आ सांघातिक रही से रिपोर्ट मंत्री पाखे रही कारण से रिपोर्ट पुणी सार्वजनीन हम 2020 एप्रिल मस 2019 केते अपराध साइबर अपराध घटी तेणु रिपोर्ट एभली भाव में मंत्री पाखे पहुंची जहाँफल मंत्री कही साइबर अपराध जो भाव में संगठित हो भाव में घटू और अनलाइन ठके जो भाव होतापर जाए रोक लग जा पारे आउ गोटे बड़ कथा हो जदि आम देखा साइबर अपराधर घटनाक्रम एवं तापर रोक लगे पुलिस भूमिका कौन रही राज्य पुलिस राज्य पुलिस गोटे पटे अवेयरनेस करुच्ची अनेक कार्यक्रम हाथ को नौकरी किंतु ता सफल हो पार ना ये से कंटिन्यू भाव से प्रोसेस काम करूना प्रथम कथा। द्वितीय कथ हूँ जो एक्सपर्ट मैंने जितकी संख्यार एक्सपर्ट मैं रहा कथा थाना मानक जो थाना थानार अधिकारी मैंने जो एक्सपर्ट मानक रखिक मतामत ना कथा संख्या से भाई भाव में ना और जहाँ सब अपराध घटू तेणु तार गोटे डिले प्रोसेस इनक्वारी जहाँफल अपराधी मैंने ठकिक खसिकी पड़ा तेणु पुलिस धरवे सक्षम हो पारुनी ये गोटे कथ। द्वितीय कथ देखा सोशल मीडिया अनलाइन जो ठके होने ठक मैंने माति व्हाट्सबुक व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर इनस्टाग्राम एवं टिंडर आप कथा पड़ी तापर अन्न आप रही ट्विटर रही तेणु एथर अपराध पूरा संगठित होनलाइन ट्रांजाक्शन पेटीएम बर्तमान टंका गायब होता जमापड़ना तेणु यही भाव बर्तमान अपराध दिनक दिन बढ़िवार लगी तेणु से भाई भाव में भित्तिमि ना यू को धरवाई मुकबिला करने पुलिस विभाग सक्षम होनी तेणु मंत्री कथा निहित भाव में गोटे गुरुत्वपूर्ण मंत्री निजे स्वीकार करते जे रोकिया एक प्रकार सहज नुह सुमंत बयान पर मंत्री जहाँ कहते वर्तमान हाथ टेकी मंत्री बयान पर कोठना कोठी जो साइबर अपराधी मैंने रही कोठना कोठी साहस बढ़े और जो साधारण लोक मैंने रोचे जो मैंने ठकीर शिकार होती मन गोटे भय बढ़ एग्जांपल दबाक चाहे मो ना अनेक लोक आईडी करें फेक आईडी करें कि लोक भुआ बुले पारे तेणु से भाई किसी ठक बस वर्तमान जो मैंने नन एथिकाल हैकर से बड़ बड़ जो मैंने दलाल अच्छा जो मैंने अच्छा ठक अच्छा द्वारा परिचालित होती तेणु नन एथिकाल हैकर मैंने बस तेणु से किभली भाव में अगर हैक करहब हईरा हरकत करहब तेणु ताक नहीं कि रोक लग पारे तेज सुमंत निश्चित भाव में अपराधी साइबर अपराधी उपर तो एक रोक लगी पारुनी वर्तमान जहां मंत्री बयान देखते कि साइबर अपराधी को धरवा से सहज नुहे कोटना कोटी सुमंत आप भी अनुभव करुवे कि बयान पर जो साधारण लोक मैंने रही जो मैंने ठकी शिकार हो ठकामी शिकार होने भितर आउ टे भय अधिक बढ़ी और जो अपराधी मैंने रही साहस टी अधिक बढ़ी जो से अपराधी मानक सहजे धरी हेबना सुमंत तेज जोजोग जदिव विच्छिन्न हो सुमंत सहित जहां सुमंत प्रतिनिधि सूचना दे कि बर्तमान जदिव साइबर अपराध दिनकू दिन बढ़िवार लगी जदि आम डाटा देखा 2016 मसीह साइबर अपराध 317 बेले 2017 यह बढ़िकी 824 रे पहुंची था 2018 डेटा जदि आम देखा तेज साइबर अपराध बढ़िकी 843 पहुंची एवं यही साइबर अपराध दिनकू दिन बढ़िवार लगुच विभिन्न आप मध्यम पेटीएम कथा कह टिंडर आप जहाद्वारा किद तेबर ठकईर
शिकार होते जन युवक अनेक गुड़े आप रही जार व्यवहार करके अनेक लोक अनेक असुविधार सम्मुखीन होती दिनकू दिन ए साइबर अपराधी मानकर संख्या अधिक बढ़िया लगुच्छे तेज पुणि थे जोड़ी आम प्रतिनिधि सुमंत सुंदर राय सुमंत सहित आलोचना करवा सुमंत जहां मुझे पूर्व प्रश्न करुँ कि जदिओ साइबर अपराधों को रोकवा को लेकिन सहज नुहे मंत्री बर्तमान जदिओ बयान रखिदेई किंतु मंत्री बयान को लेकिन जो ठक जो ठकामी जो लोक मैंने शिकार होती ठकामी जो मैंने असुविधा पड़ुन ठकामी को लेकिन से साधारण लोकों भितर बर्तमान गोटे भय जाग्रत हेनी एवं जो अपराधी मैंने रही साइबर अपराधी मैंने से मोटे साहस बढ़ी जी जी बर्तमान धरना सहज नुहे मंत्री स्वीकार कर नॉन एथिकल हैकर संख्या दिनकू दिन बढ़ुच्च जो मैंने हैक करें ठकई द्वितीय कथा हूँ व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और टेंडर आप माध्यम अनेक लोक जोड़ी होती से ठकर शिकार होनेक लोक अनेक लोक सहजे विश्वास को नहीं सोशल मीडिया जरिया तेणु गोटे पटे अवेयरनेस रही अंपटे पुलिस भूमिका रही सब गुरुत्वपूर्ण पुलिस अवेयरनेस करवा कथा कहती गोटे दुटे कार्यक्रम गणमाध्यम प्रसार प्रसार पुलिस ताटे लोक बाटे तेणु युवपीढ़ी विशेषकर आकृष्ट होती जो मैंने नुआ नुआ कि मोबाइल यूज करुँचे जो मैंने जहाँ गोटे लगाम ना तेणु से कंटिन्यू भाव में सोशल मीडिया चैटिंग करुँच तेणु से भाव ठकर शिकार होती तेणु दिनक दिन जो मामला बढ़ुची 2016 जो कथा मुझे कहती 317 2017 824 2018 843 साइबर क्राइम हो तेणु ये हूँ पंजीकृत कथा पड़ी अणपंजीकृत संख्या अधिक जिते बड़े रही रूराल एरिया रही उपात अंचल रही जो जो मैंने शिकार होती तेणु से थाना को जाठी साइबर सेल ठिकना ढंग से कार्यक्षम होनी तेणु जहाँफल तेणु से आसक लोक जिते बड़े आसपार कटक भुवनेश्वर कि अनेक स्थान को जापारती लोकों भितर गोटे भय आसी बर्तमान साइबर अपराधी को किभ भाव में रोक जा पार और सबुठ चिंताजनक विषय बर्तमान हो साइबर अपराधी मान रोकवाई किभली भाव में व्यवस्था आनुषांगिक व्यवस्था व भित्तिमि बर्तमान राज्य में अधिक बढ़ा जहाँ द्वारा कि से रोक पार साइबर अपराधी मानते गुरुत्व आरोप कर आवश्यकता रही है बहुत बहुत धन्यवाद सुमंत सुंदर आई थे आम प्रतिनिधि न्यूज रूम रु सविशेष आलोचना करुले बाबद समस्त रही टॉप 5 पार्ट 5 को रखा आदि खबर देखापी लगन करूँ न्यूज 18 ओडिया .com आम फेसबुक पेज लास्ट न्यूज 18 ओडिया ट्विटर हैंडल @ न्यूज 18 ओडिया यूट्यूब चैनल न्यूज 18 ओडिया नमस्कार।